नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं विकास कुमार। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय भागलपुर सिटी डेवलपर्स। कहलगांव में दहेज के लिए ससुराल वालों ने विवाहिता की गला दबाकर की हत्या। इलाके में फैली सनसनी, जांच में जुटी पुलिस। भीषण गर्मी को देखते हुए 19 जून तक सभी विद्यालय रहेंगे बंद। डीएम प्रणब कुमार ने जारी किए आदेश। पार्ट टू परीक्षा में दूसरे के बदले परीक्षा दे रहे 6 मुन्ना भाई पर हुई कार्रवाई। नकलचियों में मचा हड़कंप। पेयजल समस्या को लेकर लोगों का फूटा आक्रोश। सड़कों पर आग जनी कर यातायात किया बाधित। और मुआवजे की मांग को लेकर मृतक मजदूर के परिजनों ने तिलका मांझी चौक को किया जाम। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा सामाजिक बदलाव के लिए कई कदम उठाए गए, जिसमें से एक दहेज प्रथा पर रोक लगाने का कानून भी शामिल है। लेकिन इस कानून का कोई असर नहीं दिख रहा है। आज भी इस सामाजिक कुप्रथा की बलि वेदी पर बेटियां चढ़ाई जा रही है। ताजा मामला भागलपुर के कहलगांव अमडंडा थाना क्षेत्र के डोभी गाँव का है, जहाँ दहेज के लिए ससुराल वालों ने नवविवाहिता की निर्मम हत्या कर शव को नदी किनारे दफना दिया। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर शनिवार को तक साक्षी का शव बरामद किया। मृतका की मां पुतुल देवी के बयान पर साक्षी के पति गौरव कुमार सहित ससुराल वालों के खिलाफ दहेज प्रताड़ना और हत्या का मामला दर्ज किया गया। मृतका की मां पुतुल देवी ने कहा कि साक्षी की शादी 16 नवंबर 2016 को अमडंडा थाना क्षेत्र निवासी अनुरुद्ध मंडल के पुत्र गौरव मंडल से हुई थी और शादी के कुछ दिन बाद से ही गौरव साक्षी को मोटरसाइकिल और रुपये के लिए प्रताड़ित करता था। अमडंडा थाना प्रभारी अरविंद कुमार ने कहा कि पुलिस मामले की छानबीन कर रही है और जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पता चला बेटी ससुराल से फोन किया कि साक्षी को मार दिया है, पैर हाथ बांध के चौकी में पैर हाथ बांध के मार दिया है गौरव। 5 फीट का ही घर है, 5 फीट घर में एकदम करकट वाला है, एकदम 7 फीट का घर न है, चदरा वाला है, न गेट है, उसी में बच्चा को पैर में चौकी में दोनों हाथ और की कहते पैर बांध करके बच्चा को मारा है। बेरहमी से दुपट्टा कस के गलना में घींच के मारा है। बराबर अक्सर उसको मारते पीटते रहता था घर में बंद करके रड में। भीषण गर्मी और चिलचिलाती धूप को देखते हुए भागलपुर जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने जिले के सभी सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालय में पठन पाठन का कार्य स्थगित करने का आदेश जारी कर दिया है। जिलाधिकारी ने प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय में 19 जून तक पठन पाठन बंद रखने को कहा है। वहीं कक्षा 9वीं एवं 10वीं में सुबह 10 बजे तक ही कक्षाएं संचालित की जाएंगी। जिलाधिकारी प्रणव कुमार द्वारा शनिवार को जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि गर्म हवा चलने के कारण बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है, इसलिए सभी सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालय में कक्षा 8 तक पठन पाठन का कार्य स्थगित रहेगा। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय की अंगीभूत इकाई बीएन कॉलेज इन दिनों परीक्षा संचालन को लेकर काफी सुर्खियों में है। पार्ट टू की परीक्षा में कॉलेज प्रशासन लगातार मुन्ना भाई को पकड़ रहा है। अब तक कुल 6 मुन्ना भाई दूसरे के बदले परीक्षा देते धरा चुके हैं, जिसमें से 3 हवालात की हवा खा रहे हैं और 3 पर केंद्राधीक्षक ने बिहार विद्यालय परीक्षा अधिनियम एवं विश्वविद्यालय एक्ट के तहत कार्रवाई कर दी है। शुक्रवार को केंद्राधीक्षक ने एडमिट कार्ड में छेड़छाड़ कर परीक्षा दे रहे 3 मुन्ना भाई को पुलिस के हवाले कर दिया। दरअसल तीनों मुन्ना भाई ने असली छात्र की तस्वीर एडमिट कार्ड से उखाड़ कर अपनी तस्वीर चिपका दी थी। वहीं स्वच्छ एवं निष्पक्ष परीक्षा संचालन को लेकर केंद्राधीक्षक डॉक्टर अशोक कुमार ठाकुर ने त्रिस्तरीय जांच की व्यवस्था कर रखी है। शनिवार को भी 2 युवक दूसरे के बदले परीक्षा दे रहे थे। जब जांच शुरू हुई तो दोनों युवक एडमिट कार्ड लेकर फरार हो गए और प्रश्न पत्र एवं उत्तर पुस्तिका को डेस्क पर ही छोड़ दिया। प्राचार्य डॉक्टर अशोक ठाकुर ने कहा कि उत्तर पुस्तिका में अंकित क्रमांक एवं पंजीयन संख्या के आधार पर असली परीक्षार्थी पर कार्रवाई की जाएगी। बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम 1981 तदनुसार तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के आदेश के अनुपालन में बीएन कॉलेज में स्वच्छ एवं कदाचार मुक्त परीक्षा का संचालन हो रहा है। कोई भी छात्र जो कदाचार करते पकड़े जाते हैं
उन्हें कानून के प्रावधान के तहत निष्कासित किया जाता है। भागलपुर में गंभीर होते पेयजल संकट को लेकर लोगों का आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। पानी नहीं मिलने के कारण लोग सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि पानी नहीं मिलने के कारण दैनिक कार्यों में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। शनिवार को पानी की समस्या से त्रस्त हबीबपुर और खीरी बांध पंचायत के लोगों ने अंबे रोड को जाम कर दिया। इस दौरान लोगों ने सड़क पर आगजनी कर प्रदर्शन करते हुए जनप्रतिनिधियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची हबीबपुर पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद लोगों को शांत कराया। यहाँ का घरे घर जो एक स्कूल में पानी चल रहा है, वो भी पानी पूरा गंदा हो चुका है और सब पानी वही पी रहे हैं। आदमी मरेंगे या बचेंगे, यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हो रहा। यहाँ पे कुछ भी है ना, वोट मांगने के लिए घरे घर आ जाते हैं। बाकी यहाँ का जो व्यवस्था है वो चीज नहीं होता है। कौन सा पंचायत है ये? पंचायत टेल ये है मामला कि पानी के हाहाकार मच रहा है, कहीं पानी का कोई व्यवस्था नहीं है। लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, मर रहे हैं, पानी पीने के लिए नहीं मिल रहा है। आपका हबीबपुर खीरी बांध दोनों पंचायत के साथ लगा हुआ है। ये रोड है जो कि आपका अंबर रोड में है। एक बगल इधर आपका खीरीबांध पंचायत है, बाएं बगल आपका हबीबपुर पंचायत है। दोनों माना पंचायत के लोग परेशान हैं, पानी के लिए बहुत दिक्कत है। भागलपुर तिलकामांझी थाना क्षेत्र स्थित सरकारी बस डिपो के समीप संगीता सदन मकान में मजदूरी के दौरान सनहौला धुआवे निवासी 45 वर्षीय मजदूर अमरेंद्र कुमार शर्मा की मौत करंट लगने से हो गई। मजदूर अमरेंद्र शर्मा बांस के बने सीढ़ी पर चढ़कर मकान की रंगाई कर रहा था, तभी पास से गुजरे 11,000 वोल्ट के चपेट में आकर बुरी तरह झुलस कर नीचे गिर गया। घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से गंभीर हालत में अमरेंद्र कुमार को इलाज के लिए मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान मौत हो गई। शनिवार को पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया, जिसके बाद मुआवजे की मांग को लेकर मृतक के परिजनों ने सड़क पर शव रख कर जाम कर दिया, जिससे कि घंटों आवागमन बाधित हो गया। हम आपको बता दें कि मृतक घर का इकलौता कमाने वाला था। परिवार के मुखिया के मौत के बाद घर वालों पर दो वक्त की रोटी पर आफत आ गई है। वहीं घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। और किस क्रम में यहाँ पे आग लगा, करंट से गिर गया और मकान मालिक का पता नहीं है। किसी के द्वारा हमको खबर मिला और हमको पता चला गया अस्पताल में मायागंज, और वहाँ पे गए और अभी तक मकान मालिक का पता नहीं है। क्या चाहते हैं आप लोग? केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे लगातार दूसरी बार मोदी सरकार में मंत्री पद की शपथ लेने के बाद पहली बार भागलपुर पहुंचे, जहां लोगों ने मंत्री का ढोल नगाड़े के साथ स्वागत किया। कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय मंत्री के समर्थन में जमकर नारेबाजी भी की। इस अवसर पर भाजपा नेता अरिजीत शाश्वत समेत कई कार्यकर्ता मौजूद थे। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे शनिवार को बौसी के मंदार स्थित गुरुधाम पहुंचे और पूजा अर्चना की। मंत्री ने कहा कि लोकसभा चुनाव के नामांकन से पूर्व भी वह आशीर्वाद लेने गुरुधाम गए थे और फिर सरकार में जिम्मेदारी मिलने के बाद फिर से पूजा अर्चना करने गुरुधाम आए हैं। मुजफ्फरपुर में जानलेवा बीमारी से 83 बच्चों की मौत के सवाल पर कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री से इस मामले पर बात हुई है, सरकार इस मामले को लेकर काफी गंभीर है। हमने बातचीत करके टीम भेजी थी और 3-4 दिन पहले टीम आई है, उसके बाद सारी व्यवस्था हो रही है। मंत्री बिहार सरकार के मंत्री मंगल पांडे जी को हर्षवर्धन जी और हम लोगों ने डॉक्टर हर्षवर्धन जी मंत्री मीटिंग भी किया, फिर उसका प्रोटोकॉल भी निर्धारित है। अवेयरनेस का कार्यक्रम भी, जागरण का कार्यक्रम चल रहा है, काफ़ी नियंत्रण में है और अगले कल परसों में हम लोग वहां जा रहे हैं। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए सिल्क टीवी के साथ।
किसान अगरबत्ती परिवार की तरफ से आप सभी देशवासियों को ईद उल फित्र की बहुत बहुत मुबारकबाद। किसान अगरबत्ती धरती पर जले आकाश तक महके। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे के अपने भागलपुर दौरे पर शनिवार को बरारी रोड स्थित निर्माणाधीन सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का निरीक्षण किया। मंत्री ने सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के निर्माण कार्य में तेजी लाने का निर्देश अधिकारियों को दिया और कार्य की धीमी गति पर प्रोजेक्ट मैनेजर को फटकार लगाई। मंत्री ने सिविल सर्जन डॉक्टर विजय कुमार सिंह, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर आरसी मंडल और मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर हेमंत कुमार सिन्हा से स्वास्थ्य विभाग से संबंधित कार्यों की जानकारी ली और बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर कई निर्देश दिए। इस दौरान भाजपा नेता अरजीत शाश्वत, रोशन सिंह समेत कई अधिकारी एवं सुपर स्पेशलिटी अस्पताल निर्माण कार्य से जुड़े लोग मौजूद थे। बांका अमरपुर में नवनिर्वाचित सांसद गिरधारी यादव का नागरिक अभिनंदन समारोह शनिवार को आयोजित किया गया। एनडीए कार्यकर्ताओं के द्वारा आयोजित अभिनंदन समारोह में बड़ी संख्या में भाजपा, जदयू और लोजपा के कार्यकर्ता मौजूद थे। अभिनंदन समारोह में पहुंचे सांसद गिरधारी यादव का लोगों ने माला, बूके और अंगवस्त्र देकर भव्य स्वागत किया। इस दौरान कार्यकर्ता को संबोधित करते हुए सांसद गिरधारी यादव ने कहा कि क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करना ही उनकी पहली प्राथमिकता रहेगी। इस दौरान अमरपुर विधायक जनार्दन मांझी, युवा भाजपा नेता सनी कुमार शाह, जदयू जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश मंडल, लोजपा जिला अध्यक्ष बेबी यादव सहित बड़ी संख्या में घटक दल के कार्यकर्ता मौजूद थे। भागलपुर विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के टीएनबी कॉलेज मैदान में शुक्रवार की शाम प्रैक्टिस कर रहे एथलीट खिलाड़ियों और पर्वती मोहल्ले के कुछ युवाओं के बीच कहासुनी हो गई। इसके बाद पर्वती के युवकों ने ट्रेनर सहित एथलीट खिलाड़ियों की जमकर पिटाई कर दी। मारपीट का आरोप पर्वती मोहल्ले के युवक संतोष, शुभम और सावन पर लगा है। वहीं घटना को लेकर विश्वविद्यालय थाना अध्यक्ष संजय कुमार सत्यार्थी ने प्राथमिकी दर्ज कर आरोपियों की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। थानाध्यक्ष ने कहा कि खिलाड़ियों पर हुए हमले को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बात यह है ना, हम लोग ना हफ्ते में टीएनबी आते हैं प्रैक्टिस करने के लिए दो दिन, तो आज आए प्रैक्टिस करने के लिए। हमें दो तीन बच्चे थे, चार पांच बच्चे थे, तो वो छोटा बच्चा बॉल था उसी से सब खेल रहा था, बहुत गंदा गंदा गाली दे रहा था। भाई भैया मेरे हैं ना सीनियर, वही जाके बोले बाबू इतना गंदा गंदा गाली मत दो, उसी में ना इजी भैया को ही गाली देने लगा। तो भैया समझाएं थोड़ा सा पीठ पे, ऐसे बाबू ऐसे मत करो, ऐसे ऐसा गाली नहीं दिया जाता इतने आदमी के लोग के सामने, तो वही दिया। फिर बच्चा गाली देते देते भाग गया, चले चला गया। हम लोग यहाँ वहीं पे थे, हम लोग जब मार होने लगा ना, हम लोग बचा रहे थे ना, तो वो हम लोग को भी ठेल उल रहा था, गाली उली तो दे ही रहा था, मार भी रहा था सबको, गाली उली दे रहा था। ये नहीं समझ रहा था वो लोग कहाँ चोट लगेगा, जिस तरह उठ रहा था बैट बल्ला, जिस तरह जो कि हम लोग सप्ताह में एक दिन आते हैं शुक्रवार को प्रैक्टिस के लिए टेन भी, तो वहाँ पे 10 से 15 लड़का बच्चे बच्चे जो कि 10 से 12 साल का था, वो लोग मतलब कि वहाँ पे गला मारी पूरा कर रहा था। तो लड़कियों लोग थी तो उसको बोला कि बाबू यहाँ पे गाली मत दो, कि लड़कियों लोग आए कि तुम हट जाओ, वो बोले तो बोला कि नहीं हटेंगे, ऐसे बोला कि नहीं बाबू तुम उधर जा बीच में चल जाओ। तो यही मैंने वो लोग मतलब कि हमको माँ बहन लगा गाली दे भाग गया, तो उसको हम पकड़े पकड़े तो एक लफ ऐसे मारे, बाबू गाली कहीं देता है जो दीदी लोग है ना, तो बोला इतने डर करते हैं। तो सब लड़का ग्राउंड से निकल गया, ग्राउंड से निकलने के बाद उधर जो लड़का बाहर में था जब 50 से 60 लड़का, उस सभी आके पूछने पाछने को नहीं, जैसे अंधा को उनके लाठी डोंग कपार थाई बॉडी सभी पे मारना चालू कर दिया उसको। कहलगांव अनुमंडल के सिलहन खजूरिया पंचायत के मध्य विद्यालय बेलडिहा में शनिवार को किसान चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में क्षेत्र के किसानों ने भाग लिया। इस दौरान कृषि वैज्ञानिकों ने किसान को उन्नत खेती करने के तरीके बताए, साथ ही जैविक खेती के लिए किसानों को जागरूक किया। कृषि वैज्ञानिक ने कहा कि जैविक खेती को अपना कर किसान अच्छी उपज कर सकते हैं, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। मौके पर प्रखंड कृषि पदाधिकारी जिनीश राम, कृषि सलाहकार प्रकाश शर्मा, मुखिया सुभाष चंद्र भगत, संतोष कुमार, शंभु पासवान सहित काफी संख्या में किसान मौजूद थे। आज प्रखंड से जीओ साहब किसान चौपाल में भाग लिए और बहुत सारे एक्सपर्ट कृषि से संबंधित आए हुए थे, बहुत सारी बात का जानकारी दी, नए तरीके से खेती किस तरह से किया जाता है, कम लागत में अधिक मुनाफा किस तरह से
किसान को हो इसके बारे में बताया गया। बचपन और बुढ़ापा दोनों जीवन काल की दो ऐसी अवस्थाएं होती है जहां मनुष्य को प्यार और देखभाल की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, लेकिन अक्सर ऐसे मामले देखने में आते हैं जहां बच्चे अपने बुजुर्गों की अनदेखी करते हैं और माँ बाप को दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ देते हैं, या फिर उन्हें वृद्धाश्रम की चारदीवाली में रहने को मजबूर कर दिया जाता है। बुजुर्गों की समस्या को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य कैबिनेट के फैसले में माता पिता को प्रताड़ित करने वाले के खिलाफ परिवार न्यायालय से अपील की सुनवाई करने का अधिकार स्थानांतरित कर जिलाधिकारी को सौंप दिया है। कैबिनेट ने इस फैसले के बाद शहर के बुद्धिजीवी वर्ग ने क्या कुछ कहा, आइए हम आपको दिखाते हैं। आज जो भी कोई है अपने माता पिता के बदौलत जिस भी पोजीशन में रहते हैं, और बहुत बढ़िया फैसला है, लोगों को अपने माता पिता की तो इज्जत और सेवा करनी चाहिए, गुरुजनों की भी इज्जत करनी चाहिए, और समाज में बहुत बड़ा बदलाव लाएगा इस डिसीजन से, बहुत अच्छा डिसीजन है ये। माता पिता को लेकर कैबिनेट का फैसला स्वागत योग्य है। आज का युग ऐसा हो चला है कि हम सभी अपने संस्कृति को छोड़कर पश्चिमी संस्कृति की ओर और उसकी नकल करने के होड़ में लग गए हैं, जहाँ की बूढ़े माता पिता को एक शेल्टर होम में रखने की व्यवस्था होती है, लेकिन हमारी जो संस्कृति प्राचीन संस्कृति है इसमें ऐसी व्यवस्था मुनियों के समय से चली आ रही है कि बच्चे माता पिता के सेवा में तत्पर रहते थे। मैं आपको थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं विधि के बारे में कि 125 CRPC में सबसेक्शन 4 में यह प्रोविजन है कि जो माता पिता का अपने मेंटेनेंस करने में सक्षम नहीं है वो एक वाद दायर कर सकता है अपने पुत्र के विरोध में, और ये जो है पहले प्रोविजन था CRPC में फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के यहाँ इस ढंग का वाद दायर करने का, लेकिन जब से बिहार में फैमिली कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट हो गया है तो इस ढंग के बाद फैमिली कोर्ट में दायर किए जाते हैं प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट के प्रिंसिपल जज के सामने में। बांका बेलहर में घरेलू विवाद को लेकर दो सगे भाइयों के बीच जमकर मारपीट हुई। इस घटना में विनोद दास गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बेलहर में भर्ती कराया गया। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि तरी मंझगाय निवासी विनोद दास और वीरेंद्र दास के बीच जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। इसी दौरान शनिवार को वीरेंद्र दास ने लोहे के रॉड से मारकर अपने भाई विनोद दास को घायल कर दिया। वहीं बेलहर पुलिस घटना की जांच में जुट गई है। बांका कटोरिया में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने बाइक सवार दंपति को टक्कर मार दिया। इस घटना में बाइक सवार दंपति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे स्थानीय लोगों की मदद से कटोरिया रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर उपचार के लिए देवघर रेफर कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची कटोरिया पुलिस जांच में जुट गई है। और अंत में चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय भागलपुर सिटी डेवलपर्स। कहलगांव में दहेज के लिए ससुराल वालों ने विवाहिता की गला दबाकर की हत्या, इलाके में फैली सनसनी, जांच में जुटी पुलिस। भीषण गर्मी को देखते हुए 19 जून तक सभी विद्यालय रहेंगे बंद, DM प्रणव कुमार ने जारी किए आदेश। पार्ट 2 परीक्षा में दूसरे के बदले परीक्षा दे रहे 6 मुन्ना भाई पर हुई कार्रवाई, नकलचियों में मचा हड़कंप। पेयजल समस्या को लेकर लोगों का फूटा आक्रोश, सड़कों पर आग जनी कर यातायात किया बाधित। और मुआवजे की मांग को लेकर मृतक मजदूर के परिजनों ने तिलका मांझी चौक को किया जाम। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आप बने रहिए सिल्क TV के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।